जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डी ब्रेन्स पे। तो साथियों, सी आई टी एस के सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था, जहां कि हमने आपको ऑलरेडी पार्ट वन और पार्ट टू दे रखा है, अब आज जो है हम लोग जो फाइनल जो पार्ट है, जो कि क्लास नंबर 3/3 मतलब थर्ड पार्ट, आज मैं यहाँ आप लोग को करा दूंगा, जहाँ की भारत स्किल नेमी क्वेश्चन बैंक के जो टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या क्या चीज़ें यहाँ दी गई हैं सबको समझ लेते हैं करके। बट उसके पहले हम दिखा देना चाहते हैं, अगर आप पहले के पार्ट्स चाहते हैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे CITS का जो प्लेलिस्ट है, मतलब कि जो सॉफ्ट स्किल का, तो यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्ट स्किल का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के लिए हमने यहाँ प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस पासिंग मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट्स का कितना होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होते हैं CITS में, आपको पासिंग नंबर कितना लाना होगा, फुल मार्क्स कितना होता है, सब इसका यहाँ भी देखिए वीडियो बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि POT, ठीक है, TMT का जो आप लोगों का जो 100 मार्क्स का जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा CBT में, उसका भी हमने यहाँ 3 पार्ट में ही मात्र कवर कर दिया। 3 घंटा बस दीजिए, यहाँ आपको 100 में 100 मिल जाएगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ ED का भी हमने बना रखा है, ED जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का, हालांकि टेक्निकल ग्रुप्स के लिए है, आप लोग यह प्लेलिस्ट उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, बाकी तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जितने भी ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड थ्योरी का यहाँ बनाए हुए हैं CITS के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, और यहाँ पे ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए या CITS इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए एनवायरमेंट के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बताते चले कि देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही शानदार सा वीडियो हमने बना दिया है CITS जो सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल का, ठीक है, सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल का जो है 4 साल का, पिछले 4 साल का यहाँ पे हमने वीडियो बनाया है, जिसमें सॉल्यूशन सारा बताया है, ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आपको प्रैक्टिकल इसका एग्जाम देना है, रिज्यूम सब कुछ इसमें हम कवर किए, पूरा सॉल्यूशन बताया है, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, सॉल्यूशन भी बताया है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पिछले जो पार्ट थे, जो 2 पार्ट्स थे, उनमें ऑलरेडी हमने जो है यहाँ टोटल 49 क्वेश्चंस जो है कवर किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किए हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए साथियों जो हमारा लेवल 2 जो कि सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल 2 का जो क्वेश्चंस है, यहाँ एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है देयर आर डैश पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कहा गया जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कितना होता है, इसका आपको सही आंसर करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी करते जाइए जो भी आपको आ रहा है। तो साथियों यहाँ पे आप देख पाइएगा टोटल 8 पार्ट होते हैं स्पीच के, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा, वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, इंटरजेक्शन होता है, एडजेक्टिव होता है, कंजंक्शन होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं, ताकि इससे क्वेश्चन और भी बनेगा तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टोटल 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोर्ड, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि नो सेंटेंस कैन बिगिन विथ बिकॉज कॉमा बिकॉज इज ए, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी में समझ लीजिए, हालांकि आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही मिलेगा, बट आपको हम हिंदी में बेहतरीन ढंग से समझा देते हैं, आप समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है कोई भी सेंटेंस बिकॉज वर्ड से शुरू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वर्ड से कोई भी सेंटेंस क्यों नहीं शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि वो कंजंक्शन है, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो एडवर्ब है। तो देखिए भैया बिकॉज जो होता है किसके अंदर जाता है, कंजंक्शन के अंदर आता है, वो जोड़ने का काम करता है। बिकॉज क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है एक तरह से, जो कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख पाइएगा, या मैं थोड़ा मार्क करूँ आप लोगों के लिए, देखिए ये हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन में और क्या क्या आता है, देखिए एंड होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, और होता है। एडजेक्टिव अगर बोल दे तो एडजेक्टिव में जैसे कि आपको जैसे कि रेड, ब्लैक, वाइट, बैड, ये सभी चीज़ें। नाउन में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, जैसे बुक, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल, नाम आपका, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ब अगर बात करेंगे तो वर्ब में होता है गो, ईट, वॉक, रन। एडवर्ब में देखिए यहाँ पे स्लोली, फास्ट, वेरी, फिर क्विकली, इस तरह से आप लोग का सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल में क्वेश्चन भी आता है इस सबसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको कोई अगर आवश्यकता है तो। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई हमारा, ये हो गया कंजंक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर एक्सक्लामेशन, कह रहा है कि एक्सक्लामेशन साइन जो होता है, ठीक है, एक्सक्लामेशन साइन वो किस सिंबल से हम लोग शो करते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन जो होता है, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, एक्सक्लामेशन जो होता है, ठीक है, अकस्मात टाइप से जो वर्ड कहते हैं ना, आकस्मिक टाइप का, उसको हिंदी में आकस्मिक ऐसे कहा जाता है, वो इस प्रकार का कुछ होता है, मतलब उल्टा आई, छोटा आई जो होता है ना उसको उल्टा कर दीजिए इस तरह से, कोई सा भी देख लीजिए, सभी वोडाफोन आइडिया का जो आइडिया का आई वाला जो वर्ड होता है ना, वो कुछ उस तरह से समझ सकते हैं आप इसको। तो कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस तरह से लकीर खींच के एक नीचे में डॉट लगा दीजिए, ये तो आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपका क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोनाउन इज यूजुअली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन विच इज कॉल्ड इट्स, तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीसीडेंट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट प्रोनाउन क्या होता है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, इसके पहले क्वेश्चन थोड़ा एक बार समझ लीजिए। कहा गया है कि ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर नाउन के बदले हम लोग उसका यूज करते हैं, ऐसा प्रोनाउन के बारे में आपको बताना है जो कि किसी स्पेसिफिक नाउन के बदले यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, जैसे यहाँ समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख पाइएगा, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे कि एलाइस इज अ लॉ स्टूडेंट, सी इंजॉय रीडिंग केसेस, कहा जा रहा है कि एलाइस कोई लड़की है, वो कोई लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, और वो क्या इंजॉय करती है, केस को स्टडी करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सी वर्ड है वो सी क्या है, प्रोनाउन है, और जो आपका ये एलाइस जो वर्ड है, ये जो ये नाम है वो एंटीसीडेंट में उसको यूज किया गया है, और फिर सी इस एलाइस को फिर से यहाँ नहीं लिखा गया, सी यहाँ पे क्या बोल दिया गया, सी बोल दिया गया, तो प्रोनाउन है क्या हमारा, सी हो गया, और जो नाम था वहाँ पे हम लोगों ने उसको एंटीसीडेंट कर दिया, एंटीसीडेंट में वो नाम कर दिए, और फिर बार बार तो नाम यूज नहीं करेंगे, जैसे एलाइस इज ए लॉ स्टूडेंट, एलाइस एंजॉय रीडिंग केसेस, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं ना, वहाँ पे क्या बोलेंगे, एलाइस क्योंकि पता चलेगा लड़की है, तो यहाँ पे लोग सी वर्ड यूज़ कर दिए, तो ये प्रोनाउन में हो गया, और उसके पहले जो ये नेम जो था उसको एंटीसीडेंट हम लोग कर दिए, तो एंटीसीडेंट क्यों आया, क्योंकि पहले यूज हुआ है इस वजह से, ठीक है, सी के पहले स्टार्टिंग में यूज हुआ, इसलिए एंटीसीडेंट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और, ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक ना। अब कह रहा है एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब, तो किसी नाउन को, ठीक है, किसी नाउन को और पूछा जा रहा है, और किसको, नाउन और इन सब में से कोई चार ऑप्शन होगा, उन सब में से किसको एडजेक्टिव जो है मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, मतलब कि एडजेक्टिव किसी नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, और साथ ही साथ किसको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को जो है एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, बदल भी सकता है, और फिर उसको डिस्क्राइब भी करता है, समझ में आया बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन और प्रोनाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, SWOT स्टैंड फॉर, यहाँ पे बोला क्या है, SWOT का फुल फॉर्म बताना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, ताकत, वीकनेस मतलब क्या हुआ, कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हुआ, अवसर, ठीक है, अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और थ्रेट्स मतलब डर, ठीक है, थ्रेट्स मतलब डर, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये SWOT का फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एडल्ट पर्सनालिटी ट्रेड्स आर बिलीव्ड टू हैव अ बेसिस इन इन्फेंट। तो देखिए इसका हिंदी यही होता है कि ऐसा माना जाता है कि वयस्क व्यक्तित्व लक्षणों का आधार शिशु डैश पर होता है, ठीक है, शिशु डैश पर होता है, मतलब स्वभाव पर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इसका टेम्परामेंट हो जाएगा, ठीक है। एडल्ट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स आर बिलीव्ड टू हैव ऑन बेसिस इन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु, बच्चा, इन्फेंट, टेम्परामेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। हिंदी क्या होगा देखिए इसका,
ऐसा माना जाता है कि वयस्क व्यक्तित्व लक्षणों का आधार शिशु के स्वभाव से होता है। ठीक है, शिशु का जो स्वभाव होता है उसी का उसी के आधार पर जो है वयस्क मतलब बड़ा जब होते हैं तो उसका व्यक्तित्व का लक्षण जो है वो चीज़ें शो होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का ए लग जाएगा आप लोगों का। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 कहता है कि ऑफिसेस शुड यूज डैश, ठीक है, ऑफिसेस शुड यूज डैश डिजाइन फर्नीचर टू हेल्प वर्कर्स मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर। तो देखिए भाई, इसका हिंदी क्या होता है, कार्यालयों को, ठीक है, कार्यालयों को कर्मचारियों को अच्छा बनाए रखने में मदद करने के लिए डैश डिज़ाइन किए गए फर्नीचर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो ऑफिस होता है, जो कार्यालय होते हैं, उसमें कर्मचारियों का जो है बॉडी पोस्चर, ठीक है, शरीर मुद्रा जो है अच्छा बना रहे, उसके लिए किस प्रकार का फर्नीचर का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन जाएगा इसका क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एर्गोनॉमिक, याद रखिएगा, एर्गोनॉमिक जो होता है क्या मतलब होता है, एर्गोनॉमिक मतलब हो गया सुविधापूर्ण। ठीक है, हिंदी क्या होता है, सुविधापूर्ण, ठीक है, सुविधापूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एर्गोनॉमिक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ड्यूरिंग इंटरव्यूज द इंटरव्यूवी शुड, तो बोला गया है कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान जो होता है, जो इंटरव्यू होता है, जो आवेदक होता है, जो कि इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, शुड, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है मेक आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। तो कहा गया है कि जो इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके आँखों में आँख डाल के रखना चाहिए, मतलब आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए। उस पर दूसरा कह रहा है बी नीट एंड क्लीन, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू है मतलब कि जो इंटरव्यू दे रहा है, जो कैंडिडेट या जो आवेदक जो इंटरव्यू दे रहा है, वो उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। और जो है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके आँख में आँख डाल के ही बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे मुंडी करके बात कर रहे हैं शर्म जैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट अच्छा रहना चाहिए। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। बी पंक्चुअल एंड रिपोर्ट बिफोर टाइम, कहा गया कि बिल्कुल आपको पंक्चुअल होना चाहिए और आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो जो इंटरव्यू जो आप देने जाते हैं, तो आपका ये तीन पॉइंट जो है होना चाहिए। इसके अलावा भी और से भी पॉइंट है, जो आपको ड्रेसअप वगैरह भी बढ़िया रखना है, पोलाइटली बात करना है, सभी और सभी होते हैं, बट यहाँ तीन पॉइंट जो यहाँ दिए गए हैं बिल्कुल सही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सॉफ्ट स्किल जो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल जो देते हैं सॉफ्ट स्किल का, उसमें ग्रुप डिस्कशन आप लोगों को कराया जाता है, उसमें इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा, जो कि मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, हालांकि और भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। देखिए, इन ग्रुप डिस्कशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वन शुड डू, ताकि ग्रुप डिस्कशन जब होता है उसमें किसी जो जो पार्टिसिपेंट है उसको कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए। पहला नंबर है देखिए यहाँ पे, डिसएग्री पोलाइटली एंड एग्री विथ व्हाट इज राइट, कहा गया है कि जो आपको किसी सामने वाले के बात से अगर आप वो सहमत नहीं है, आप डिसएग्री हैं, तो आपको डिसएग्री पोलाइटली होना चाहिए, बहुत ही प्यार भाव से, बहुत ही शांत भाव से आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, और उसके बाद आप अपने बात को रख सकते हैं जो भी राइट है, जो भी सही है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ये आपको जो है ज़रूर करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन टाइम। दूसरा है कि आर्गू एंड साउट, मतलब कि आपको आर्गूमेंट करना चाहिए, आपको साउट हल्ला गुल्ला करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल पकड़ जाएगा। लुक एट द इवेलुएटर और ए पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर, कहा जा रहा है कि जो इवेलुएट करते हैं उन चीज़ों को, जो मार्क्स देते हैं उनको देखना चाहिए, तो उनको देखना ही नहीं चाहिए, उनको उनसे आपको मतलब ही नहीं है। ठीक ना, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उस पर कहा जा रहा है कि टॉक इररिलेवेंट थिंग्स एंड डिस्ट्रैक्ट द डिस्कशन, कहा जा रहा है कि अननेसेसरी आप जो है डिस्कशन को इधर उधर ले जाइए अनसंट बात करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 10 का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि जो ग्रुप डिस्कशन जो कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू सी एंड एवेलुएट देयर, कहा गया है कि जो ग्रुप डिस्कशन छात्रों के बीच जो कराया जाता है, ठीक है,
वो उससे क्या पता चलता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो उसमें इवेल्युएशन क्या होता है, उससे क्या आपका जांचा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है कम्युनिकेशन स्किल, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बोलने का शैली, बोलने का तरीका को देखा जाता है। लिसनिंग स्किल, आप कितना सुनते हैं, बक 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 तो नहीं करते हैं, तो सुनने का भी स्किल्स इसमें जांच लिया जाता है। थिंकिंग स्किल्स, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, जितना सोचिएगा वैसे ही तो बोलिएगा ना, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लगाया लगाइएगा 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेस्ड ऑन। देखिए इंटरपर्सनल स्किल का हिंदी क्या होता है, पारस्परिक कौशल, पारस्परिक कौशल, तो हिंदी इसका हो जाएगा पारस्परिक कौशल पर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्कुल आपका जो है सकारात्मक जो है स्वभाव उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। उसका डिसीजन मेकिंग, आप कौन सा डिसीजन कैसा लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लिसनिंग स्किल, आपके जो सुनने का जो जो स्किल्स है उस पर डिपेंड करता है। और ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है कौन ये लाइन को कहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ये तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थॉमस जेफरसन, ठीक है, थॉमस जेफरसन होगा। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए इसका हिंदी आंसर के साथ में बता देता हूँ, देखिए जैसा कि थॉमसन जेफरसन ने कहा, ठीक है, क्या कहा है वही क्वेश्चन में आपका दिया। देखिए जब जब कोई काम करेगा, ठीक है, देखिए मैं आप दिखाऊँ आपको, देखिए जब कोई काम करेगा तो दो शब्द का प्रयोग ना करें। दूसरे शब्दों में मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, देखिए दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, दूसरे शब्दों में जो नेता आसानी से और अस्पष्ट रूप से जानकारी संप्रेषित करता है उनकी सभी उन लोगों की छवि, उनकी छवि उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती है जो लिखते तो बहुत हैं लेकिन कहते कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ऐसे लोग जो कि लिखते बहुत हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं, कहते कम है लेकिन लिखते ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स किसने कहा था, तो ये कहा गया है थॉमस जेफरसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पर कि हिंदी में कर दिए हैं इसको, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से भी। चलिए अब इसका आंसर 1 हो गया। तो 14 नंबर देखिए, द डैश इज अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन वेयर इन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पोकन वर्ड्स। कहा गया है कि एक इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक प्रकार का वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन जो मुंह से जो हम लोग बात करते हैं वो एक प्रकार का संप्रेषण है ना, एक प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग। दो आदमी मान लीजिए बात कर रहे हैं बोल करके मुंह से, तो ओरल कम्युनिकेशन वो कहलाएगा, मौखिक संप्रेरण, ठीक है। वेर इन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, तो कहा गया है कि वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि लोग बोल करके मुख के द्वारा जो है मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्बल, ठीक है। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो बोल के किया जाता है, वर्बली मुंह के द्वारा बोला जाता है। नॉन वर्बल क्या होता है, जो कि हम लोग मुंह के थ्रू नहीं करके रिटन उटन फॉर्म में करते हैं, लिख करके करते हैं, वो नॉन वर्बल में चले जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन जान रहे हैं लिख करके ही हुआ होता है, तो वर्बल नॉन वर्बल डिफरेंस पता होना चाहिए। जो मुख के द्वारा ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द फीडबैक इज इंटरमीडिएट इन केस ऑफ। कहा गया है कि जो फीडबैक होता है इज इंटरमीडिएट इन केस ऑफ, सॉरी गाइज यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है, इमीडिएट है, मतलब तुरंत। देखिए फीडबैक क्या होता है समझिए, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, मान लीजिए ए है या मान लीजिए राम है, अब इसके सामने में कोई लड़का है या लड़की है, बी है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये इनको कुछ बोल रहा है, ये इनको कुछ बोल रहा है, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहा है सामने फेस टू फेस। तो देखिए इसमें फीडबैक जो होता है, फीडबैक मतलब क्या हुआ कि ये कुछ बोला और ये इसको मैसेज फिर से उसी चीज़ का रिप्लाई दिया, एक प्रकार से फीडबैक दिया, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है वो किस प्रकार में जो है इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है, तुरंत मिल जाता है। ये मान लीजिए बोला कि तुम्हारे पास क्या बुक है, तो इसका आप जवाब जो मिलेगा वो फीडबैक होगा, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास है, तो इसका क्या हुआ है आंसर तुरंत मिल गया ना, इमीडिएट हो गया। वो किस केस में हो सकता है, वो वर्बल में ही हो सकता है,
नॉन वर्बल में क्या होगा, आप लिख करके भेजिएगा उसको, चिट्ठी भेजिएगा, मेल कीजिएगा, तो वो देखेगा, उसके बाद उसका रिप्लाई देगा, तो थोड़ा लेट होता है। लेकिन जो फीडबैक होता है ना वो ऑरल वाले में जो है तुरंत होता है, ठीक है, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में तुरंत मिलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिसनिंग, मतलब सुनने का जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 हियरिंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्डिंग। जाहिर सी बात है हियरिंग मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है, और लिसनिंग का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से सुनना ही होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ले क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इज टू, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, जो सुनने का जो स्किल होता है, जो कला होता है सुनना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, अंडरस्टैंड असाइनमेंट इन द बेटर वे एंड फाइंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन। तो क्या होगा इसका मतलब कि हमें जो कार्य दिया, अगर हम अच्छे से सुनेंगे, मान लीजिए टीचर ही है आपकी क्लास में, अच्छे से आप सुनते हैं तो क्या होता है, जो भी वो कह रहे हैं उसको तो सबसे पहले आप अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो भी आपको काम असाइन दिया जाएगा, मान लीजिए आपको होमवर्क दिया गया है, उसको आप अच्छे से बना पाइएगा, तो अंडरस्टैंड असाइनमेंट्स, आप असाइनमेंट्स मतलब जो काम है उसको अच्छे से कर पाइएगा, और सामने वाला जो चाह रहा है उसका एक्सपेक्टेशन, जो पर्सन जो सामने वाला है उसका भी एक्सपेक्टेशन पर आप खड़े उतरिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो बोला है उस चीज़ को आप अच्छे सुने, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंस है किस चीज़ का, सुनने का स्किल का, मतलब कि सुनने का जो स्किल है उसका इंपॉर्टेंस, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आज के सेशन का जो है आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि 18 नंबर है। तो देखिए भाई 18 नंबर क्या कहता है, डैश कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे आपको कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन बताना है कौन सा यहाँ पे उचित भराएगा चार ऑप्शन में। देखिए इन्वॉल्व्स द डिसीजन टू इनिशिएट ए बिहेवियर सच एज इनरोलिंग इन साइकोलॉजी क्लास, ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, देखिए कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन का हिंदी होता है प्रेरणा का घटक, ठीक है, क्या होता है भाई, तो होता है प्रेरणा का घटक, में पहले, देखिए क्या है, में पहले करने का निर्णय शामिल है व्यवहार, जैसे मनोविज्ञान कक्षा में, मनोविज्ञान कक्षा में दाखिला लेना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन में पहले करने का निर्णय शामिल होता है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, ठीक है, व्यवहार जो होता है जिसमें कि जो मनोविज्ञान कक्षा में जैसे कि दाखिला लेना हुआ, ठीक है, जैसे क्या हो गया, मनोविज्ञान कक्षा में दाखिला लेना, तो इसका आंसर क्या चल जाएगा आपका, एक्टिवेशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए साथियों ये पूरा जो यहाँ आपका क्लास था आज का, यहाँ पे हमारा यहाँ पूरा कंप्लीट होता है, पूरा क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, और जो पूरा टोटल पार्ट्स 3x3 हमने करा दिया है, अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने करा दिए हैं, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।